ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दम है, दमदार है, ये रोबोटिक म्यूल तो बहुत ही शानदार है। भारतीय सेना की ताकत इससे कई गुना बढ़ रही है। ये रोबोटिक म्यूल हाल ही में भारतीय सेना ने प्रदर्शित किया। भारतीय सेना के पास इस तरह के कई रोबोटिक म्यूल हैं जो एक तरह से रोबोट डॉग हैं। ये चार पैरों के वो लड़ाके हैं जो किसी भी इलाके में ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी फुर्ती देखिए, इसकी तेजी देखिए। जी हाँ, ये तस्वीरें वाकई में मन मोहने वाली हैं, लेकिन ये उतना ही खतरनाक है क्योंकि इसके जरिए कई तरह के ऑपरेशंस अंजाम दिए जा सकते हैं। भारतीय सेना ने ऊंचाई क्षेत्रों के लिए ऐसे 100 रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्स इक्विपमेंट दिखाए हैं। इन म्यूल के आने से भारतीय सेना की ताकत में बढ़ोतरी हो रही है। रोबोटिक म्यूल एक रोबोट डॉग है जो युद्ध और सर्च ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। रोबोटिक डॉग सीढ़ियां, खड़ी पहाड़ियों पर आसानी से चढ़ जाता है। रोबोटिक म्यूल -40 से 55 डिग्री सेल्सियस के तापमान में काम कर सकता है। बाहुबली म्यूल 15 किलोग्राम तक के वजन को उठाकर भी पहाड़ों पर आसानी से चढ़ सकता है। ये थर्मल कैमरे और सेंसर से लैस है। इतना ही नहीं, इसकी खूबी और सुनिए। ये रोबो म्यूल नदी में उतर जाता है, ऑपरेशन को इसके जरिए वहां अंजाम दिया जा सकता है। जाहिर तौर पर इस तरह के म्यूल से सेना की निगरानी क्षमता और बेहतर होगी। इस रोबो डॉग की खासियत इतनी है कि इसे जम्मू कश्मीर से लेकर LAC तक इस्तेमाल करने की तैयारी है। ये तस्वीरें उधमपुर से ही आई हैं, जहां सेना को इस तरह के हथियारों से लैस किया गया है। और ये तमाम हालातों में ऑपरेशनल चैलेंज को देखते हुए भारतीय सेना के लिए एक बेहतर लॉजिस्टिक है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के बेड़े में कई मेड इन इंडिया ड्रोन भी आए हैं, जो कामकाजी ड्रोन है, यानी कि वो ड्रोन जो दुश्मन टारगेट को लॉक करेंगे और फिर उसे खुद ही जाकर वहां उड़ा भी डालेंगे। जी हाँ, इस ड्रोन की खासियत यह है कि इसे सर्विलांस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें एक्सप्लोसिव लोड करके इसे दुश्मन को खत्म भी किया जा सकता है। ये अच्छा खासे वक्त तक आसमान में उड़ान भर सकता है और दुश्मन के ठिकाने को टारगेट करके उसे सटीकता के साथ उड़ा भी सकता है। इस ड्रोन के अलावा भारतीय सेना के बेड़े में जो नई चीजें आई हैं वो एटोर N1200 है। ये बहुत मजबूत और ताकतवर गाड़ी है। इसके जरिए कई तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सकता है। इसे भारतीय सेना की क्षमता में और मजबूती लाने की दिशा में कदम उठाया गया माना जा सकता है, क्योंकि इस तरह की गाड़ियों को इस्तेमाल करके हर तरह के हालात में ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। ये पहाड़ हो या पानी हो, हर जगह ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सकता है। इसका कायाकल्प इतना बाहुबली है कि इसे देखने वाले देखते रह जाएंगे। इसी तरह के कई नए अत्याधुनिक वाहन भारतीय सेना के बेड़े में लाए जा रहे हैं, जिसके जरिए भारतीय सेना की क्षमता दक्षता लगातार बढ़ती चली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।